Okay, so let's start with this. Good morning, everyone. We are starting with the introduction part, that is the unit 1, जहाँ पर हमने देखा हुआ था about the introduction to software engineering. हमने इसके introduction के बारे में analysis किया हुआ था कि that is introduction about the software engineering, जिसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एनालिसिस करा हुआ था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर को हमको किस तरीके से एनालिसिस करना है, राइट. तो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हम उसको किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, राइट. यस मैम. ओके, so let's once again revise it. What is software engineering? So basically, software is more than just a program code. A program is an executable code which serves some computational purpose. तो हमने देखा है कि कई तरीके के सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो हम जनरली क्या कह सकते हैं, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? अ सॉफ्टवेयर इज जनरली अ प्रोग्राम, इट इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड. हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल कोड है. सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ कई सारी लाइब्रेरीज जुड़ी रहती हैं और डॉक्यूमेंटेशन रहता है. तो अगर हम सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो वो इट शुड मैच विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट. वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच होना चाहिए. ठीक है, सो व्हेन इट मैचेस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर तो इट इज मच मोर बेटर, राइट. सो जब भी हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट उसके साथ मैच होनी चाहिए एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए जिसमें ये चीजें मेंशन रहती हैं कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हमको यूज करना है, राइट. सो और तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, इट इज बिल्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट. तो हमने कई तरीके के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखे हुए हैं. वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स, जिसमें हमने देखा है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स. कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. सो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके की एप्लीकेशन बना रहे हैं और किस पर्टिकुलर कस्टमर को ध्यान रख के उस एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं. क्लियरली, तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर मतलब जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, और इंजीनियरिंग दैट मींस कि हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स का यूज कर रहे हैं. तो दैट इज पर्टिकुलर टर्म्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो हम उसे क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. क्लियर. और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग पर्टिकुलर अपने नाम से एंटर करें, ठीक है. तो इट विल बी मच मोर बेनिफिट फॉर अस कि हम उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, एज वेल एज प्लीज मेंशन योर नेम एंड योर क्लास, आपकी क्लास क्या है. तो वो हमारे लिए इजिएस्ट वे होगा आपको आइडेंटिफाई करने का, आपकी अटेंडेंस को मार्क करने का, ठीक है. अगर आप अटेंडेंस के लिए आपके प्रॉपर नेम रहेंगे तो इट विल बी मच मोर beneficial for us, ठीक है. And at the end मैं आपकी attendance लूँगी, ठीक है. Okay. So let's continue with this. हमने software engineering को discuss करा है. आगे हमने देखा था software product के बारे में. तो last class में हमने discuss करा था कि software product क्या होते हैं. तो software product basically कैसे बनाए जाते हैं. सबसे पहले क्या देखा जाता है, requirement. Depending upon the requirement, user की requirement क्या है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस तरीके से हमको फुलफिल करना है, तो वो सारी चीजें हमको एनालिसिस करनी पड़ती है. क्लियर. तो यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर डेंटिस्ट की शॉप के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो डिपेंड अपॉन द डेंटिस्ट रिक्वायरमेंट कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए, ठीक है. अगर जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो किसी और पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी, हम बात करें अगर वो किसी
बुक सेलर है, तो बुक सेलर की शॉप के लिए क्या रिक्वायरमेंट? डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? यस, एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? अगर नहीं कहना चाह रहे तो काइंडली म्यूट योरसेल्फ, राइट? एंड दोज आर हैविंग एनी डाउट्स काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स, सो इट विल बी इजीली ट्रेस्ड एंड इजीली आइडेंटिफाइड कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक, तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट की. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उससे कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे. देन उसकी एनालिसिस होगी, उसकी डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, उसका फाइनली डिप्लॉय किया जाएगा. अगर उसके अंदर कोई मेंटेनेंस है तो उसकी मेंटेनेंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है. सो दीज ऑल थिंग्स डू वर्क, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेशन. हमने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन भी देखी हुई थी. ठीक है, हम फिर से एक बार उस और डेफिनेशन को एक बार और समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्या. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्या है. बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है जो किससे एसोसिएट करती है, इट एसोसिएट विद डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हमें डेवलप करना है और उसको डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए. वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फॉलो किया जाता है. तो उन सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सकते हैं. तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एफिशिएंट एंड रिलायबल. तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो एफिशिएंट और रिलायबल होगा. क्लियर? सो दैट मे बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. दूसरे हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि IEEE ने डिफाइन किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर. दैट मीन्स जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर की वो सिर्फ डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है कि सॉफ्टवेयर बना दिया उसको डेवलप कर दिया दैट्स इट. नो, यू हैव टू सपोज आपको डेवलप भी करना है, उसके प्रॉपर ऑपरेशन भी होने चाहिए एंड देन इट शुड बी मेंटेन्ड. कि अगर उसके कुछ क्वेरीज आ रहे हैं, कहीं उसमें कुछ बग्स हैं, कुछ एरर्स हैं, तो वो सारी चीजें भी मेंटेनेंस होना चाहिए. तो दीज ऑल थिंग्स आर एप्लीकेबल. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन की. सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी शुरुआत कैसे की गई है एंड देन हाउ इट इज एक्सटेंडेड, हाउ इट इज यूज. सो बेसिकली इट इंक्लूड्स द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से इनिश किया गया है, उसको किस तरीके से मेंटेन किया गया है, हाउ इट इज अपडेटेड एंड हाउ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, जिससे कस्टमर क्या हो सके, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो सके कि जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसने उस पर्टिकुलर उसको बनाया है दैट आर द रिक्वायरमेंट. वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, दैट ऑल पर्टिकुलर थिंग्स शुड बी जस्टिफाइड. कि इट शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. क्लियर दिस मच? एनी डाउट? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आपका किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है यहाँ पर, मुझे दिखी नहीं रहा कोई है यहाँ पर. है सब यहाँ पे अवेलेबल है? एवरीवन इज यस मैम. ओके गुड, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन में हमने इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि यूजर की रिक्वेस्ट क्या है, एनालिसिस कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और रिलीज कैसे करना है, राइट? इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस को हम समझ सकते हैं. इवोल्यूशन स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से. रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है इट शुड बी गैदर्ड एट द इनिशियल फेज. किसी भी चीज की शुरुआत करने के पहले समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है. ठीक है, जैसे मैंने कल आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ था, जैसे एग्जाम्पल में हमने ये देखा हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि किस तरीके के घर को हमको बनाना है. इट इज अ 1 BHK, 2 BHK फ्लैट है, मल्टी अपार्ट, कैसा किस तरीके की डिजाइनिंग करनी है, वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा. देन
हम उसकी क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे कि किस तरीके से उसको डेवलप करना है, तब जाके उसको एग्जीक्यूशन मोड में लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हमने सब बना दिया फिर सोच रहे कि ये क्या हो गया। नो, इट शुड बी प्लान्ड इन अ वेरी सीक्वेंशियल वे, इन अ वेरी ऑर्डर्ड, एक पर्टिकुलर मैनर में उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इट बिगिंस विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, राइट? एंड देन आफ्टर विच डेवलपर्स क्रिएट अ प्रोटोटाइप कि किस तरीके का हमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना है, और उसका हमें कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ता है एट अ वेरी अर्ली स्टेज। मे बी यूजर को कुछ प्रॉब्लम है, वो किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो अगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड, दैट शुड बी अपडेटेड, दैट शुड बी मैनेज्ड। उसको एट अ वेरी इनिशियल फेज एनालिसिस करना होता है, राइट? आफ्टर देन एक बार अगर डिजायर्ड सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हो चुका है, इट इज कन्वर्टेड, इट इज बिल्ड अप, देन एज पर द रिक्वायरमेंट उसके जो भी चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग उसको दोबारा से चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। लेकिन लेकिन अगर ये सोचा जाए कि फिर से इट विल रिक्रिएट फ्रॉम द स्क्रैच, तो दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इट उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाएगा, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस, सो दैट डजंट वर्क। सो पहले से ही इस तरीके से प्लान करना है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि जो रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट अप टू द मार्क, जो हमारी प्रोसेस है वो अकम्प्लिश्ड नहीं है। दैट ऑल थिंग शुड बी डन, राइट? हर एक चीज को प्रॉपरली एनालिसिस करना है और देखना है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही हमने काम किया है, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स, सॉफ्टवेयर पैराडाइम्स रेफर करता है, इट रेफर्स टू द मेथड्स एंड स्टेप्स टेकन वाइल डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई करना है हमको, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स विच आर यूज्ड। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक सेट होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, तो हम उसे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पैराडाइम बेसिकली इट अंडरगोज थ्रू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसमें सबसे हमारा जो इंटीरियर पार्ट है प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर। ये सारी चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है, डेवलपमेंट, डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, और इसी तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जाता है। जब आप खुद अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, राइट? नाउ यू आर इन फिफ्थ सेमेस्टर, अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, राइट? तो आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो दोज ऑल थिंग्स विल बी मेंशन कि किस तरीके से वो चीजें काम करेंगी, राइट? सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम को हम और समझ सकते हैं। द पैराडाइम इज नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम वेयर ऑल द इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर अप्लाइड। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? तो ये पूरी एनालिसिस किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो पहले से बन चुका है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसमें क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी थी, क्या क्या चीज़ों को हमको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, दीज ऑल थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, और उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारी प्रिंसिपल्स को आगे के मॉड्यूल्स में फॉलो किया जाता है कि इन केस जो एरर्स प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में आए थे वो एरर्स अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना आए। तो उसी के लिए प्रॉपर फ्रेम किया जाता है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, और उन्हीं सारी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ही किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है? तो आपने देखे होंगे कई तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई तरीके के हमारे प्रोग्रामिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एडिटिंग, ग्राफिक्स, सी ए डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन,
ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, दीज आर ऑल स्टैंड अलोन सिस्टम, किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एडिट करना है, ग्राफिक्स का प्रोग्राम है, इस तरीके से। लेकिन कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। सो दीज आर ऑल द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, वी विल गोइंग टू एनालाइज इट वन आफ्टर द अनदर, राइट। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसमें लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम यूज करना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये सारे फेजेस से हमें जाना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर पैराडाइम के अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग किस तरीके से करनी है, उसको डिजाइन किस तरीके से करना है, एंड प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, विच लैंग्वेज इज सूटेबल टू कोड दैट पर्टिकुलर सेक्शन, कौन सी लैंग्वेज सूटेबल हो सकती है, क्लियर। ओके, सो दिस इज द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन। This paradigm is a part of software development and it includes design, maintenance and programming. ठीक है, तो हमने क्या देखा, software design के अंदर कौन सी चीजें applicable है, design, maintenance and programming. तो design के अंदर सबसे पहले उसको design किस तरीके से करना है, design करने के बाद उसको maintenance भी देखना है और programming भी देखनी है, ठीक। तो user के requirement के according किस तरीके से program करना है, these all things are mandatory, clear. And the last but not the least, that is a programming paradigm. This is related to the programming aspect of software, which includes coding, testing and integration. So these are the basics of software. एक के सबको analysis करने रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अभी तो आपको software engineer को समझना importance है and how is it works, कि सबसे पहला फेज रिक्वायरमेंट है ये आपको समझ में आना है, ठीक है। तो ओवरऑल सभी हमने क्या एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू ऑफ वेयर देख, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक्स को था, वोल्यूशन समझा, सॉफ्टवेयर लिस्ट एनालिसिस को समझा, क्लियर। सो दीज आर टू क्वेश्चंस जिसको आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, characteristics of software paradigm, ठीक है। तो ये सारे questions को हम analysis करते हैं, right? Okay. So मैं आपके बनने से लेती हूँ, तो quickly जो जो present है यहाँ पर kindly give the attendance. Okay. So आदित्य जोशी sprint, आदित्य जोशी present है कि नहीं, reply quickly. दीपक दागी, दीपक दागी आर यू प्रेजेंट, आर यू प्रेजेंट, दीपक राठौर, जो परस्कर प्रिंट है, मोहित प्रेजेंट है, यस मैम, वीन सिंह इज प्रेजेंट, यस मैम, वीन सिंह, प्रिंस कुमार प्रेजेंट, प्रिंस इज प्रेजेंट, यस मैम, हेलो, इज प्रेजेंट, देश and Vipul is present, yes ma'am, okay. So total ek baar fir se call kar deti hu, Aditya Joshi, Deepak Aragi, Deepak Rathod, Jyoti Rastar, Mohit Pahle, Pravin Singh, Prince Kumar, Ritesh and Bull, these are present. Aur bhi hai jo present, iske attendance nahi hui hai to bata dein, anybody else, कोई ऐसा है जिसके अटेंडेंस, हाँ, ऐसा है जिसके अटेंडेंस नहीं हो पाई हो तो मुझे बता दें, इतने ही हैं। मैम आदित्य जोशी, आदित्य जोशी हो गया है,
आदित्य जोशी के अलावा बताइए। शुभम पटेल। शुभम पटेल, ओके शुभम पटेल। और कोई ऐसा जिसकी छूट गई हो अटेंडेंस मेरे बोलने में तो मुझे बता दीजिए। एनीबॉडी एल्स? नो, ओके। सो आई एम शेयरिंग दिस पीपीटी विद यू। किसकी नहीं हुई है? ज्योति? किसकी नहीं हुई है? ज्योति आपका लिख लिया है मैंने, ठीक है ज्योति ना? हाँ ज्योति लिख लिया है, ठीक है। और मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर लूंगी, तो इसमें जो क्वेश्चंस है उसे आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, और जो कहीं पर डाउट आ रहा है कुछ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर लेक्चर वन, लेक्चर वन हमारा है। अब उसके बाद अपन लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत किसी चीज में, कहीं कोई डाउट है किसी को कुछ, तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं उसमें सबसे बेसिक कोडिंग कोडिंग आनी चाहिए, तो कोडिंग किस लैंग्वेज में ज्यादा प्रेफर रहती है? सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोडिंग नहीं बात कर रहे हैं। कोडिंग अलग फेज में होता है, ठीक है। तो अगर हम डिजाइन बात करते हैं तो आपने सुना होगा कई तरीके के डिजाइन होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यूज केस डिजाइन, सुना है आपने? यूज केस डिजाइन, एक्टिविटी डिजाइन, तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिजाइन। इनको किसी भी, जब हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो जो भी चीजें होती है वो हमको डायग्राम के थ्रू, डिजाइन के थ्रू इजिली समझ में आती है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे जाके हम किसी एक पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट को उठाएंगे और उसके हम ये सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे, इन सारे फेजेस को। कि अब सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे, फिर हम डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो ये सारे के सारे फेजेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी एक फेज को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर ये सब चीजें इक्वली होंगी तभी हमारा कोई सा भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक कि सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। आए समझ में सबको? ओके मैम। ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? ओके। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। और कोई? विपुल, प्रिंस, मोहित, एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? यस नेक्स्ट है मैम, नेक्स्ट है। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? क्या है? हेलो हेलो, ऑडिबल? यस मैम। हाँ हाँ, समझ में आया? यस मैम। आया समझ में सबको? Yes, कोई दिक्कत कहीं पर किसी को, कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? नो मैम। मैम आप पीडीएफ ऐसा कुछ है ग्रुप पे भेज देना। हाँ पीडीएफ मैम ग्रुप पे। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी ये जो लेक्चर वन की पीपीटी आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। okay. उसके बाद हम ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम लेक्चर टू की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसकी सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो उन दोनों के कंपैरिजन में हम चीजों को समझेंगे कि सॉफ्टवेयर किस किस तरीके से हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम हार्डवेयर दोनों के बीच में कंपैरिजन को समझेंगे, क्या क्या मिथ होते हैं सॉफ्टवेयर में, उन सारी चीजों को भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, आप लोग की क्लास की स्ट्रेंथ मुझे बहुत कम नजर आ रही है। आई थिंक देयर आर हार्डली कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 1 2 ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स ही दिख रहे हैं मुझे। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ तो मेरे ख्याल से काफी है, और मुझे दिख कम स्टूडेंट्स लग रहे हैं। क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट्स? क्या बात है स्टूडेंट्स के नहीं आने का? उन लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है सबको कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्लासेस घर पे बैठ के अटेंड करने की फैसिलिटी है? कॉल किया था बट कोई नहीं आता है।
क्योंकि घर बैठे आपको सब चीजें मिल रही हैं, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है? सबको आना चाहिए, सबको क्लास अटेंड करना चाहिए, है ना? तो सभी लोग तो अटेंड करें तो सभी का बेनिफिट होगा, आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल. बोलो. यस, बोलना चाह रहे हैं? यस बोलिए. क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं पहुंची. चैट पर लिख दो. आवाज नहीं आई. चैट पर लिख सकते हो. प्रिंस, यू वांट टू से समथिंग? प्रिंस कुछ कहना चाह रहे हैं? नो मैम, नो मैम, नेक्स्ट. ओके फाइन, ठीक है. तो गुड, आप जो आ रहे हैं, आप लोग जो लोग आ रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ इस तरीके से मेंटेन रखें, और अपने जो बैचमेट्स हैं उनको कम्युनिकेशन करें उनके साथ, उनको भी बताएं कि क्लासेस अटेंड करें, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है? तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा. और बाकी मैं आपके साथ ये जो PPT है वो शेयर कर लूंगी, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड रहने वाली है, ठीक है? और इसके साथ में मैंने अपने पास कुछ लेक्चर नोट्स भी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है? और बाकी जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन चैट मी. आप इसमें चैट का ऑप्शन है, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो सिर्फ हमने बेसिक ही समझा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या है, और वो कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी, उस चीजों को हमने अभी बेसिकली समझा था. अब नेक्स्ट क्लास में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएंगे, ठीक है? तो क्लियर दिस मच? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके गुड. तो हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकेंड यूनिट आपसे शेयर करूंगी, जिसमें हम समझेंगे कि आगे किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है, ठीक है? क्लियर दिस मच? ओके देन फाइन. और बाकी सबसे कहें कि क्लास ज्वाइन करें, जिसको जो डाउट है वो क्लियर कर सके. ओके यस मैम. और कोई कुछ कहना चाह रहा है? एनीबॉडी वुड लाइक टू से समथिंग? कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं. वी आर हैविंग 3-4 मिनट्स, यू कैन डिस्कस एनीथिंग इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग. कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई कुछ भी कहना चाहे तो बता. इसका सिलेबस मैम? इसका सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? इसका सिलेबस भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स हैं, आप बिल्कुल फ्रैंकली होके पूछें, ठीक है? आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है, आप बिल्कुल डिस्कस करें. क्या इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है. आप लोग को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज समझ, हम लास्ट के 5-10 मिनट्स हम रख सकते हैं, जिसमें आप के जो आप कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है मेरे से कुछ चीज रह गई हो, छूट गई हो, तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोग भी इनिशिएटिव ले सकते हैं. हम लोग अपनी क्लास का 5-10 मिनट्स आपसे डिस्कशन के साथ कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें हम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सब शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उसमें लगेगा कि हाँ हाँ अभी शुरुआत है, अभी लगना भी चाहिए इंटरेक्टिव क्लास है, सब डिस्कस कर रहे हैं, सब सब समझ में आ रहा है. क्या इंटरेक्शन होता है तो समझ में आता है कि हाँ समझ में आ रही है चीज, ठीक है? अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में. हाँ हाँ अभी तो स्टार्टिंग ही है, 1-2 क्लासेस ही हुई है, तो उसके बाद धीरे धीरे आपको जब चीज समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए और क्या किसको प्रोग्रेस करना चाहिए. बाकी मैं आपसे सिलेबस शेयर कर लूंगी, PPT शेयर कर लूंगी, और आप लोग को पता है कि इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो वो रेफरेंस में दी हुई है. वैसे तो प्रेसमैन बहुत अच्छी बुक है, जिसको आप एनालिसिस कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी मेरे इसमें PPT में लास्ट में एक सेक्शन में रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप इस रेफरेंस को देखते हैं तो यहाँ पर कई सारी बुक्स गिवन है, जैसे रॉन पैटर्न की दी है, राजीव मॉल, पंकज जलोटे एंड जे रॉस, ठीक है? तो आप किसी की भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इन सारे रेफरेंसेस को आप जरूर देखें कि कौन कौन से रेफरेंसेस हैं और हमें आगे क्या करना है, ठीक है? और हम नेक्स्ट अब क्या कवर करने वाले हैं, तो वी आर कवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
need of software engineering, difference between program and software. That will be covering in our next lecture. ठीक है? Clear this much? आ रही है सबको बात समझ में? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So we are ending our meeting और कल हम इसी के बारे में discuss करेंगे. ठीक है? Okay. Thank you, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Okay.